कोई मुझे ये बता दो यार, ये क्या सुपर हीरो वाली कोई सीरीज है? केवल पावर आ जाने से कोई हीरो नहीं बन जाता, उसके लिए अक्कल होनी भी जरूरी है। खैर, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीजें क्लियर कर दूं, ये कोई सुपर हीरो की कोई सीरीज नहीं है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं द अम्ब्रेला एकेडमी के फर्स्ट सीजन की। हाँ, इसका सेकंड सीजन आ चुका है बट अभी तक मैंने नहीं देखा है। इसका अभी फर्स्ट सीजन ही मैंने देख के कंप्लीट किया। तो टोटल इसके अंदर 10 एपिसोड है, वही करीबन 55 मिनट तक के हर एक एपिसोड है। और अगर आपको रात को नींद नहीं आती, आपको रात को जगने वाले उल्लू बन गए और आपका टाइम पास नहीं हो रहा है क्योंकि टाइम फेल हो चुका है, तो ये सीरीज आप लोगों के लिए है। लेट्स मूव ऑन इसकी कहानी के ऊपर। एक मिनट, इसके डायरेक्टर का नाम मैंने मिस कर दिया, मिस नहीं, मैंने स्किप कर दिया। स्किप इसलिए क्योंकि यार बहुत सारे डायरेक्टर हैं, तो यार मैं पगला जाऊंगा इतने सारे डायरेक्टर का अगर नाम मैंने लेने बैठ गया तो। सीधा कहानी पर ही आते हैं। देखो, इससे पहले मैंने एक सीरीज देखी थी द बॉयज, अमेजोन के ऊपर ये सीरीज अवेलेबल है, तो वहां पर इंग्लिश में ही मिलेगी। यार ये जो मैंने देखी वो हिंदी में है, कहीं डर जाओ कि ये इंग्लिश में है क्या, ये हिंदी में मिल जाएगी द अम्ब्रेला अकेडमी, लेकिन द बॉयज वो इंग्लिश में है। तो क्या हुआ, उसके अंदर जो हीरोज की, जो सुपर हीरोज की एक तरीके से नेगेटिव इमेज वहां पर दिखाई गई थी। बट मैं इस सीरीज के दौरान ये सोच रहा था यार इसमें कौन सी इमेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। देखो, ये तो हर जगह यूनिवर्सल है कि कोई सीरीज जो होती है उसके अंदर कुछ पॉजिटिव चीजें, कुछ नेगेटिव चीजें, ये होती होती है। पूरी तरीके से परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो मैं सबसे पहले इस सीरीज की नेगेटिव बातें करने वाला हूँ, तो उससे पहले कहानी के बारे में बता दूं। 1989 में 43 जो है वो बच्चे पैदा होते हैं एक साथ, एक ही समय में। और हैरानी की बात होती है कि जो औरतें जो होती हैं, जो प्रेग्नेंट, वो कभी हुई ही नहीं। मतलब उसी आधे घंटे या 15 मिनट के लिए वो प्रेग्नेंट होती हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो ऐसे हालात में पैदा होने के कारण इन बच्चों के पास है सुपर पावर। तो सर रेजिनोल्ड हार्ग्रीव्स, ये इंसान क्या करता है, इन 43 बच्चों में से 7 बच्चों को गोद लेने में कामयाब हो जाता है और इन बच्चों को मिलाकर वो बनाता है द अम्ब्रेला एकेडमी। वो इंसान इन 7ों को अपनी पावर यूज करना सिखाता है, कैसे टीम में काम करना है, ये सब चीजें सिखाता है। बट वो कहीं चीजें, अब क्या होता है कि एक इंसान अगर बच्चों के साथ ऐसे स्ट्रिक्ट रहता है तो बच्चे हाथ से निकल जाते हैं, तो ऐसा ही इसमें कुछ हुआ। कहानी में ट्विस्ट आता है, 7ों अलग हो जाते हैं और जो इस टीम का जो लीडर होता है लूथर, जिसके पास मैं कहूँगा कि हल्क जैसी पावर है। अब ये हरा तो नहीं होता बट हल्क जैसा स्ट्रोंग है। नहीं, हल्क जैसा स्ट्रोंग तो उसके आधे का आधा ही स्ट्रोंग है। पता नहीं क्यों यार, क्योंकि यार मुझे इसके 10 एपिसोड में मुझे इसकी पावर घंटा पता नहीं चली यार। फिर एक आता है डियागो, जिसके पास ऐसी पावर है कि वो चाकू मतलब आंख बंद करके भी मारेगा तो किसी के कान कहीं पे लग जाएगा, वो जहां सोचेगा वहां लग जाएगा। और एक है एलिसन, जो अपनी बातों से किसी को भी मतलब कन्वेंस कर सकती है, ऐसी पावर उसके पास। या ये वाली पावर मुझे चाहिए। एक है नशेड़ी क्लाउस, जो मुर्दों से बातें कर सकते हैं और उसे आत्मा से डर लगता है, तो इसलिए वो नशे में ही रहता है क्योंकि जब भी होश में आता है तो उसे आत्माएं नजर आने लगती हैं, तो अपने आप को पूरी सीरीज के अंदर नशे में ही रखते हैं। और एक है नंबर 5, जो टाइम में ट्रैवल कर सकता है। टाइम में मतलब कि वो पास्ट में जा सकता है, फ्यूचर में जा सकते हैं। और फिर बारी आती है वान्या, नंबर 7 जो होती है। अब ये जो है ये वायलिन अच्छा बजा लेती है, हाँ ये वायलिन अच्छा बजा लेती है। इन 7ों के अलग होने के बाद सर रेजिनोल्ड हार्ग्रीव्स की डेथ के बाद ये 7ों फिर एक साथ मिलते हैं। 7ों नहीं मतलब कि 6 ही मिलते हैं। बैन की जो है वो डेथ हो चुकी है, नहीं फिर 5 ही रहते हैं। बैन की जो वो डेथ हो चुकी है, वो बचपन में मर जाते हैं। बैन के बारे में शायद मैंने नहीं बताया, हाँ वो बचपन में मर जाते हैं। तो नंबर 5 जो है वो 17 साल बाद वापस आता है। 17 साल बाद वापस आने का मतलब वो बचपन में फ्यूचर में चला जाता है, जबकि हार्ग्रीव्स ने रेजिनोल्ड हार्ग्रीव्स ने उसे मना किया था क्योंकि अभी उसे नहीं पता कि उसकी पावर कैसे यूज करनी है। तो वो जो अपनी जिद के कारण भविष्य के अंदर चला जाता है, और जब वो भविष्य में जाता है तो उसे पता चलता है कि आने वाले समय में ये सब कुछ खत्म होने वाला है। और जब वो वापस आते हैं तो उसे भविष्य दिख चुका होता है, तो उसके पास 7 दिन है कि अब उस टाइम को जैसे तैसे बदला जा सके। और इन 7ों दिनों में पहले तो वो खुद कोशिश करते हैं अपने टाइम को, आने वाले टाइम को बदलने की, बट उससे नहीं हो रहा। तो वो 7ों मिलके, ये 7ों मतलब कि आप इसको इसके अंदर 7ों ही देखेंगे, आपको बैन की आत्मा इसमें आपको दिखेगी। तो ये सारे मिलकर आने वाले टाइम को बदलने की फिर कोशिश करते हैं। अब मुझे लगता है कि यार इससे आगे नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अब इससे आगे का बताने का मतलब है स्पॉइलर देना। तो अब यहाँ पर मेरा फुल स्टॉप लगता है। तो अब कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लें, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। तो इसके पहले मैं नेगेटिव चीज़ों की बात करना चाहूँगा। अब जब सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर मुझे नेगेटिव चीज़ें वो ये लगी कि इसके अंदर करेक्टर डेवलपमेंट मुझे सही
ढंग से लग नहीं पाया, मतलब कि किसी की पावर का यूज करना, एक इंसान जो है अपनी पावर का यूज करना फर्स्ट एपिसोड से लेके 10th एपिसोड तक उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी पावर क्या है। इवन इन सातों के सातों को ही नहीं पता होता कि उनकी पावर क्या है। यार ये थोड़ा इलॉजिकल मुझे लगा कि यार एटलीस्ट उनको इन सब चीजों के बारे में, चलो ठीक है फर्स्ट में नहीं पता, सेकंड में नहीं पता, थर्ड में नहीं पता, फिफ्थ तक तो चीजें पता चल सकती थी। और दूसरी चीज मुझे लगा कि यार कुछ चीजें जो इसके अंदर हैं, कुछ क्या बहुत सारी चीजें जानबूझ कर इसके अंदर धकेली गई हैं, वो ना भी होती तो ये सीरीज अच्छी हो सकती थी। इवन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन 10 एपिसोड को कम कर देते, 9 या 7, 7-9 या 7-8 कुछ जितने भी जितने, मतलब कि 10 ना रखते, 7 या 6 रख लेते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, भले ही 10 रखते, उन 10 के अंदर एक्शन दिखा देते कि हाँ उसमें बहुत ज़्यादा एक्शन है। इसमें बहुत रेयरली है कि इसमें आपको एक्शन देखने को मिलेगा। एक फैमिली ही है इसके अंदर जो पूरी वियर्ड फैमिली है, जो वो मतलब सारा दिन बस अपनी ही प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में लगे हुए हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है। जो नशेड़ी है वो नशे से मुक्त नहीं होना चाहता, एक डियागो है वो पता नहीं कुछ और ही दुनिया में जी रहा है, लूथर 4 साल से चांद के ऊपर वापस आता वो पगला गया है, एलिसन क्या अपनी खुद की एक फैमिली है वो अपनी बेटी के पास वापस जाना चाहती है, नंबर 5 कुछ और ही चीजें करने में लगा हुआ है, और जो मर गया है बेन उसकी आत्मा वैसे ही भटक रही है, और वान्या वो वायलिन बजाने में बिजी है। तो ये सब चीजें यार थोड़ी पेचीदा सी लगी यार, मुझे लगा कि कुछ और ज्यादा इनको मतलब इनकी पावर का थोड़ा और नमूना हमें दिखाना चाहिए था, बहुत कम इसमें हमको देखने को मिलता है। तो अब इसकी पॉजिटिव चीजों की बात कर लेते हैं। हाँ, एक वियर्ड फैमिली देखने को मिलती है इसके अंदर, जिसमें आपको हंसाने की काबिलियत है, मतलब कॉमेडी है इसके अंदर, और अजीबो गरीब चीजें करके वो आपको हंसा रहे होते हैं। खासकर जो मुझे पसंद आया वो क्लाउस का जो करेक्टर, वो काफी ज्यादा पसंद आया, जो नशे में रह रहे हैं, और नशेड़ी यार आपको मजे दिला ही देते हैं। मैं मतलब मुझे नहीं पता वो कैसे करते हैं, बट हाँ उसको देखकर आपको मजा ही आने वाला है। वो मतलब उसके बात करने का ढंग, उसके चलने का ढंग, उसके सोचने का तरीका, वो मतलब पूरी फैमिली, वो क्या पूरी की पूरी फैमिली ही पागल है। हाँ, आपको ये शुरू से लेकर आखिर तक बांध के रख देगी। और इवन कहानी बस यही है कि कुछ ये देखें कि 43 बच्चे पैदा हुए जिनके जिसके पास कुछ नेचुरल पावर है, और अब दुनिया तबाह होने वाली है। कुछ ज़्यादा आपको कहानी के अंदर नहीं मिलेगा, फिर भी ये कहानी आपको शुरू से आखिर तक अपने साथ बांध के रखती है। ये नेगेटिव बात थी या पॉजिटिव मुझे नहीं पता। खैर, अब हिंदी डबिंग की बात करूँ तो हिंदी डबिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा इसकी डिसेंट लगी। ये मैं नीचे सबटाइटल भी ऑन थे, तो जैसे वो बोल रहे थे तो सबटाइटल के अकॉर्डिंग ही चीज़ें चल रही थी। ऐसा नहीं था कि भाई कुछ अपनी तरफ से इंडियन डायलॉग मूवी इंडियन मूवी के डायलॉग घुसेड़ दिए या फिर इंडियन मूवी के नाम इसके अंदर डाल दिए, ऐसा कुछ नहीं। बहुत डिसेंट मैं कहूँगा कि डबिंग थी यहाँ पर, तो हिंदी की तरफ से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। और अब इसका सेकंड सीजन भी आ चुका है, और इसका जब फर्स्ट सीजन जब खत्म होता है वो ऐसे मोड़ पे खत्म होता है कि आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे इसका सेकंड सीजन में देखने को। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं भी जैसे ही वीडियो कंप्लीट होती है मैं इसका सेकंड सीजन देखने बैठता हूँ। जब तक ये अपलोड हो चुकी होगी आप देख रहे होंगे मैं इसका सेकंड सीजन कंप्लीट भी कर चुका हूँगा, और मैं स्क्रिप्ट भी लिख रहा हूँ शायद। तो मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूँगा 7.5 out of 10 star। अगर नहीं देखी है तो मैं ये रिकमेंडेड करूँगा कि हाँ थोड़ा बहुत आपको इसके अंदर नया देखने को मिलेगा, एक वियर्ड मूवी, एक वियर्ड फैमिली इसके अंदर देखने को मिलेगी जिसके पास कॉमेडी है, मतलब वो कॉमेडी कर सकते हैं, एक पावर उनके पास ये भी है जो आपको हंसा सकते हैं अच्छे से। इमोशनल के तौर पे तो यार इसमें कुछ ऐसा इमोशनल नहीं है, पागलों वाली फैमिली में कहाँ इमोशन आप ढूंढोगे। तो बस इतना ही था, तो आप जाकर देख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि टाइम खराब हो जाएगा, बट हाँ एक अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलेगा। खैर बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।